गाइस, टाइम के साथ साथ यूपीएससी का स्टैंडर्ड और जहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है वो सारे सोर्सेज भी बदल रहे हैं। लास्ट ईयर जैसे यूपीएससी ने लीगल टर्म्स पे क्वेश्चन पूछ लिया था, फर्लो और पैरोल पे एक क्वेश्चन लास्ट ईयर जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी पे पूछ लिया था, एक ऐसा ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लुकआउट नोटिस पे भी पूछा जा सके। हम इतना सुनते हैं, देखो पुलिस कस्टडी जुडिशियल कस्टडी के बारे में हमने इतना सुन रखा था, लेकिन बहुत लोग उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए उस क्वेश्चन को। ऐसे ही लुकआउट नोटिस भी हम देखते हैं कि कभी इंटरपोल ने जारी कर दिया, कभी पुलिस स्टेशन ने जारी कर दिया, राइट, किसी को, तो इतना हम सुनते हैं। और ये अब न्यूज़ में भी है, न्यूज़ में इसलिए क्योंकि एक पत्रकार है राणा अयूब, राइट, बहुत फेमस है, आई होप आपने ट्विटर में इनको फॉलो कर रखा होगा, बहुत सारे फॉलोअर इनके, 1 मिलियन से भी ज़्यादा। तो इनको एक लुकआउट नोटिस रिसेंटली जारी किया, ईडी ने ये लुकआउट नोटिस जारी किया था और फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर कॉग्निजेंस लिया और पूछा कि हाँ आपकी वैलिडिटी क्या है, क्यों आपने ये लुकआउट नोटिस जारी किया है, तो इसका मीनिंग क्या होता है और कैसे यहाँ से आपको क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ये सारे डायमेंशन हम यहाँ पे देखेंगे। देखो लुकआउट नोटिस ईडी ने जारी किया, ये हमने अभी देख लिया, कंटेक्स्ट देख लिया, क्यों जारी किया, क्योंकि इन पे कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। और आपको पता है जो इंडिया का पीएमएलए एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसके तहत जो इन्वेस्टिगेशन के जो अथॉरिटी है वो ईडी के पास है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास। और एक और चीज आपने याद रखना है, सीवीसी के पास प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1986 सीवीसी के पास होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसके पास अथॉरिटी है उसको इंप्लीमेंट करने की। हालांकि बाकी एजेंसीज भी उस एक्ट के तहत कोई भी केस रजिस्टर कर सकती है, लेकिन प्राइमरी अथॉरिटी, नोडल अथॉरिटी सीवीसी के पास है। और करप्शन से रिलेटेड ही अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उपयोग कर रहे हो, राइट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे करप्शन का चार्ज लगा रहे हो तो वो भी सीवीसी के अंडर आएगा। मतलब सीवीसी का पार्शियल ज्यूरिस्डिक्शन है मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर भी, पीएमएलए एक्ट पर भी, लेकिन नोडल अथॉरिटी किसके पास है, ऑब्वियसली ईडी के पास। तो ईडी ने अभी ये इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की, राइट, और इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने के बाद अभी क्योंकि राणा अयूब क्योंकि ये न्यूयॉर्क में काम करती है, राइट, तो न्यू आई थिंक ये न्यूयॉर्क टाइम की पत्रकार है, तो ये यूएसए जाने वाली थी और इनको बॉम्बे में रोक किया गया। अब फिर हाई कोर्ट ने इस पे कॉग्निजेंस लिया कि भैया आपकी, आपने किस अथॉरिटी के अंडर ये, क्यों आपने ये, इन्हें लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है। अब इसका लुकआउट नोटिस का मतलब क्या होता है, राइट, लुकआउट नोटिस का मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। क्या इसका मतलब ये है कि आपको जेल कर दिया जाएगा? नो, इट डज नॉट नेसेसरली मीन कि आपको जेल होगी। इट इज जस्ट इशूड टू इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स, कि जैसे आपके एयरपोर्ट्स हो गया, राइट, लैंड पोर्ट्स हो गए, ऐसे इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स पे ये नोटिस भेजा जाता है और कहा जाता है कि इस व्यक्ति को कंट्री से बाहर मत जाने देना, राइट, तो ये आपकी इमिग्रेशन को रोकने के लिए ये नोटिस जारी किया जाता है, नेसेसरली आपको डिटेन नहीं किया जाएगा। सो ऐसी कोई एक ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट वो दे देगा, आपने ये बात ध्यान रखनी है, राइट, इट इज अ काइंड ऑफ सर्कुलर लुकआउट नोटिस। अब ये जारी कौन कर सकता है, कौन जारी करता है, हु कैन इशू एलओसी, वो आपको कह सकते हैं कि एक थाने का एसएचओ भी क्या ये जारी कर सकता है, ऐसे स्टेटमेंट वो दे देंगे, ऐसे वेग स्टेटमेंट तो देते ही हैं। तो बिल्कुल हर कोई ऑफिसर नहीं जारी कर सकता है, मिनिमम रैंक चाहिए डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल की, राइट, डेप्यूटी सेक्रेटरी आपको पता है जॉइंट सेक्रेटरी से भी नीचे की रैंक होती है, तो डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल की मिनिमम रैंक होनी चाहिए उस ऑफिसर की। इसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि डेजिग्नेटेड है मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को चेक करने के लिए, ऐसा डेजिग्नेटेड ऑफिसर इसको जारी कर सकता है, सिर्फ डेजिग्नेटेड, या फिर डीएम या फिर एसपी, राइट, ये भी जारी कर सकते हैं। और बाकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज है, जैसे एनआईए वगैरह हो गए, ये भी इस लुकआउट नोटिस को जारी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, राइट, ये जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, ये भी, इनके डायरेक्टर भी इसे इशू कर सकते हैं। और ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं, याद रखना, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स भी, कॉरपोरेट क्राइम्स से रिलेटेड कोई भी आप ऐसा लुकआउट नोटिस जारी कर सकते हैं। तो ये सारी अथॉरिटीज हो गए, क्या इंटरनेशनल अथॉरिटी भी ऐसा कोई लुकआउट नोटिस जारी कर सकते हैं? बिल्कुल सर, आपका जो इंटरपोल है, राइट, इंटरपोल है जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पुलिस की, तो वो भी लुकआउट नोटिस जारी कर सकती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात,
अब जो आपके प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स हैं उनके हेड भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि इस बंदे के खिलाफ नॉकआउट नोटिस जारी करो क्योंकि इसका इतना कर्जा है हमारे, राइट। तो डज इट लीड टू अरेस्ट? नो, नॉट नेसेसरली। ये सारे हमने देख लिया है इसके जो भी डायमेंशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन पे आते हैं कि क्या किसी भी आदमी को रोका जा सकता है कहीं बाहर फ्लाई करने से? कौन सा ऐसा राइट है, कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जहां पे आपके राइट टू मूवमेंट दिया हुआ है, राइट? आर्टिकल 19 आपको पता है कि कंट्री के अंदर अगर आप मूवमेंट कर रहे हो तो वो राइट आपका आर्टिकल 19 के अंडर सिक्योर्ड है, राइट। ये आप सभी को पता है। लेकिन कंट्री के बाहर अगर आप माइग्रेट कर रहे हो, कंट्री के बाहर अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, तो बाहर से कंट्री में वापस आने का अधिकार सिटीजन्स को आर्टिकल 21 के अंडर मिलता है, राइट टू लाइफ का पार्ट है, याद रखना। कंट्री के अंदर अगर आप कहीं पे भी आप ट्रेवल कर रहे हो, दैट इज सिक्योर्ड थ्रू आर्टिकल 19। बट इफ दैट इज एन एक्सटर्नल माइग्रेशन, इफ दैट इज एन एक्सटर्नल ट्रेवल, दैट राइट टू गो टू एनी फॉरेन कंट्री एंड कम बैक, दैट राइट इज सिक्योर्ड अंडर आर्टिकल 21 of the Indian Constitution, and obviously that is not an absolute right. This is why there can be reasonable restrictions on that right also, right? So as per the procedure established by law, this right can be taken away by the government, right? So I hope ye sare dimensions aapko cover हो चुके होंगे, राइट। और यहाँ से जो भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। मिलते रहेंगे ऐसे ही लेक्चर्स के साथ। आई होप ये आपके आपके आप जितना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं उसको कंपेंसेट कर पा रहे होंगे ये लेक्चर्स। एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं, बाय बाय।